ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर बेहद चौंकाने वाली है, जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं, लेकिन खबर है ही कुछ ऐसी। ये तो आप और हम जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन में भारी जंग लगातार चल रही है। दोनों किसी भी हाल में पीछे हटने या फिर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ यूक्रेन के साथ नाटो खड़ा है तो रूस अकेले ही अपने दम पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस बीच खबर आई है कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने जिस गोला बारूद का इस्तेमाल किया है उसमें भारतीय गोला बारूद भी है। अब जैसे ही यह खबर सामने आई, सुनने वाले हक्के पक्के हो गए, हैरान रह गए कि हुआ कैसे। लेकिन अब इस मामले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। और खबर यह है कि भारत के जिन हथियारों या फिर गोला बारूद का इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन कर रहा है, उसे यूक्रेन को भारत ने कभी बेचा ही नहीं, बल्कि भारत ने यह हथियार यूरोपीय देशों को बेचे थे और अब यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। खबर जो आई है उसके मुताबिक इटली और चेक रिपब्लिक भारत से बड़ी मात्रा में हथगोले खरीदते हैं और बीते एक साल से इन्हीं दोनों देशों से गोला बारूद यूक्रेन पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारत से इसकी शिकायत भी की गई है और शिकायत की गई है रूस की तरफ से, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो बार। दरअसल बीती जुलाई को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बैठक हुई और इसमें इस मामले को उठाया गया। खबर यह है, हालांकि इस मामले में जानकारी यह भी आ रही है कि ना तो रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने और ना ही भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इससे जुड़े सवालों का कोई जवाब दिया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इसी साल जनवरी में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया था कि भारत ने यूक्रेन को तोप के गोले ना तो भेजे हैं और ना ही बेचे हैं। हालांकि सूत्रों की तरफ से जानकारी यह भी आ रही है कि जिस गोला बारूद का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है उसका निर्माण भारत में होता तो है लेकिन काफी कम मात्रा में। और जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भीषण युद्ध दोनों देशों के बीच चल रहा है और जितना गोला बारूद इसमें खपाया जा रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये तो उसका 1% भी नहीं होगा। खबर के मुताबिक ये तो पता चला है कि इस गोला बारूद को किसने बनाया है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम यंत्र इंडिया है, जो कि एक सरकारी कंपनी है और इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 2021 में हुई थी। लेकिन अभी यह नहीं पता चल सका कि यह गोला बारूद जिन यूरोपीय देशों को भारत से पहुंचा था उन देशों ने इसे यूक्रेन को बेच दिया या फिर दान में दिया। लेकिन एक और बात यहां पर गौर करने वाली है और वो बात यह है कि भारतीय हथियार निर्यात नियम जो है उसका जिक्र करना जरूरी है। उसके अनुसार अगर किसी देश को भारत वो हथियार बेचता है तो उसका इस्तेमाल केवल वही देश कर सकता है, यानी कि जिस देश को भारत ने हथियार बेचे हैं अगर वो किसी और को हथियार दे देता है तो सीधे वो उल्लंघन कर रहा है नियमों का। इतना ही नहीं, अगर कंपनी को इस बारे में जानकारी लग जाती है तो हथियारों की डिलीवरी तक रोकी जा सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि भले ही भारत की जानकारी के बगैर यह गोला बारूद यूक्रेन भेजा गया हो, लेकिन इससे भारत की स्थिति में कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं बनती है, बल्कि यह एक प्रकार से यह दिखाता है कि भारत रूस और यूक्रेन की जंग में किसी एक का पक्षधर नहीं है और भारत के फैसलों पर रूस का कोई भी प्रभाव नहीं है, यानी कि भारत के फैसले भारत खुद लेता है। हालांकि आपको बता दें कि जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी, इस दौरान गले मिले थे, एक दूसरे का वेलकम किया था और तब क्या हुआ था, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस पर कड़ी टिप्पणी कर डाली थी और भारत को लेकर सवाल भी उठा दिए थे। लेकिन बाद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल यूक्रेन का दौरा किया बल्कि ज़ेलेंस्की से बात में यह भी कहा कि उन्होंने रूस के दौरे के दौरान पुतिन की आंख में आंख मिलाकर साफ कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। वहीं जहां तक दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए भारत की मध्यस्थता करने की बात है तो भारत का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर, कट एंड क्लियर कहते हैं ना, वो है
भारत ये कह चुका है कि वो इस मामले में मध्यस्थता तो तभी करेगा जब दोनों ही पक्षों की तरफ से रजामंदी हो जाए, दोनों राजी हो जाए, रूस यूक्रेन। वैसे बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की काफी पहले ये कह चुके हैं कि अगर भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपने रवैये को बदल लें तो यह जंग खत्म हो सकती है। पुतिन खुद ही यह फैसला भी लेंगे क्योंकि भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। भारत हाथ खींच लेगा तो रूस की कमर टूट जाएगी, इशारा इसी तरफ था। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उन्हें उम्मीद है कि अगर अगला शांति सम्मेलन भारत में होता है, स्विट्जरलैंड में इसके पहले हुआ था, भारत में होता है तो इस जंग का कोई हल निकल सकता है, शांति हो सकती है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए रूस के राष्ट्रपति ने भी कुछ वक्त पहले ही बयान दिया था कि चीन, भारत और ब्राजील जो कि ब्रिक्स जो है उसके सदस्य हैं, इनमें से कोई अगर एक चाहे तो शांति के लिए बात हो सकती है। इस बयान को देकर पुतिन न केवल पश्चिम की आलोचना की थी बल्कि यह भी कहा था कि अपनी गलत फैसलों के कारण, नीतियों के कारण पश्चिम का यह हाल हुआ है और आने वाला वक्त पूरब का है। और तब से ही भी यह चर्चा चल निकली थी कि क्या अपने इस बयान के बहाने पुतिन नाटो बनाम ब्रिक्स या फिर पश्चिम बनाम पूरब करने की तैयारी में है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की तरफ से जिन देशों को हथियार बेचे गए क्या उन्हें किसी और देश को हथियार देना चाहिए था, वो भी भारत को जानकारी साझा किए बगैर? अगर ऐसा किया गया तो क्या भारत को उन देशों पर कोई एक्शन लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।